दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक के इंडिया में फेल होने के कुछ रीजंस हैं और आज हम उन्हीं रीजंस को डिस्कस करेंगे। रीजन नंबर 1, डच डिजाइन। क्या आपने कभी सोचा है, जहां एथर एनर्जी को अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने में 8 साल का समय लग गया, वही काम ओला इलेक्ट्रिक ने 1 साल में कैसे कर दिखाया? तो आपको बता दें, ओला इलेक्ट्रिक ने अपने स्कूटर को खुद डिजाइन ना करके नीदरलैंड्स की एक बैंकक्रप्ट कंपनी इटर्गो को $4 मिलियन में एक्वायर करके उनके डिजाइंस को यूज किया है। इटर्गो के बनाए हर स्कूटर को नीदरलैंड्स के टेम्परेचर के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जहां गर्मियों में टेम्परेचर कभी 25 डिग्री से ज्यादा जाता ही नहीं है। रीजन नंबर 2, एयर कूलर सिस्टम का ना होना, जिसकी वजह से इंडिया जैसी कंट्री जहां समर्स में टेम्परेचर 50 डिग्री तक चला जाता है, वहीं इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंस्टॉल्ड लिथियम आयन बैटरीज में आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। और अगर कंपेयर किया जाए एथर एनर्जी के इलेक्ट्रिक व्हीकल से, तो उन सभी में एयर कूलर सिस्टम मौजूद है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।